नॉवेज आज का जो टॉपिक है यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेस के जो इनका एडवाइजर है जो इनका सलाहकार है उनकी ओर से पूछा जाता उनकी ओर से कहा जाता है कि इंडिया और चाइना का जो है ना क्या बुद्धिमता काफी कम है यहाँ पे तो मैं हूँ रितेश सिंह आज इन्हीं के बारे में काफी कुछ यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं तो देखते हैं इंडिया में इसका प्रभाव थोड़ा सा कम देखने को मिला हो लेकिन इन्हें वर्ल्ड लेवल पे कवर किया गया था यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे मीडिया ने इन्हें कवर किया है चाहे द हिंदू हो चाहे मिंट हो काफी सारे न्यूज ने इन्हें ग्लोबल रूप से कवर किया है

भी है और सपोर्ट भी कहता है दुनिया दो पार्ट में बदल गई काफी सारे देश यूक्रेन को साथ देते हैं। तो काफी सारे देश रशिया को भी साथ देते हैं। हाल बात करें रशिया के कौन कौन से देश साथ देते चाइना भी साथ देती है इंडिया तो साथ देती ही देती है ब्राजील हो साउथ अफ्रीका हो भी वो रशिया को साथ देती है यहाँ पे के यूरोप के जितने भी कंट्री यूएसए वगैरह यूक्रेन के साथ देती है और साथ में फंडिंग भी देती है यहाँ पे जिसके कारण से ये बहुत छोटा सा देश है मगर अभी भी गैस रशिया से युद्ध चल ही रहा है ये अभी तक शांत नहीं हुआ है लेकिन अगर युद्ध के मामले में बात करो तो इंडिया की ओर से बस एक ही दलील आता है ना रशिया के साथ है ना यूक्रेन के साथ है हम लोग पीस के साथ है मतलब शांति चाहते हैं जाहिर सी बात है इंडिया के लोग शांति चाहते हैं क्योंकि वार होने से ना गए सभी को लॉस होता है सिर्फ ये दो देश को ही लॉस नहीं होता है इनके अलावा भी काफी सारे देश को लॉस होता है तो इस मामला में तो नहीं लेकिन जी ट्वेंटी में जो सपोर्ट किया था है। जिसके कारण से गैस यूक्रेन काफी ज्यादा नाराज है यूक्रेन की जो राष्ट्रपति है जेलेस उनके जो सलाहकार है एक टीवी इंटरव्यू के दौरान बताया जो इंडिया और चाइना के जो लोग हैं यहाँ पे चाइना को भी इन्वॉल्व कर दिया उनका आई क्यू है ना बहुत ही कम है यहाँ पे अब जाहिर सी बात है इंडिया के इंडिया की ओर से तो कुछ ऐसा नहीं बोला गया लेकिन चीन की ओर से तुरंत जवाब मांगा गया कि आप ये बताइए किस कंट्री में ना आईक्यू कम है इंटरनेशनल लेवल पे हम आपको ये भी बताने वाले इंडेक्स भी बताने वाले हैं हाल ही का जिसमें गाइस इंडिया और चीन से बहुत ही कम है यूक्रेन का आईक्यू मगर फिर भी बोल रहा है कि नहीं इंडिया और चाइना का आईक्यू बहुत ही कम है इंडिया और चाइना के लोग साइंस में खर्च करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि काफी ज्यादा मॉडर्न हो चुके हैं यहां पे तो सीधा भले इंडिया की ओर से नहीं पूछा गया मतलब चीन की ओर से तो जरूर पूछा गया कि आप किस फील्ड में आगे हैं आप पहले मुझे यही बताइए हर फील्ड में तो आप पीछे ही नजर आते हैं यहाँ पे चाहे जीडीपी हो इकोनॉमिक स्थिति हो हर चीज में पीछे ही नजर आते हैं और आप चले दुनिया को ज्ञान देने के लिए यहाँ पे ये सीधा सीधा चीन की ओर से पूछा गया यहाँ पे नौ गेस अगर आप लोग आई का टेस्ट देते हैं तो कुछ इसी टाइप का बॉक्स वगैरह बना होगा आप लोग भी दे सकते हैं अच्छा रेलवे वगैरह का आप लोग एग्जाम देते होंगे ना तो कुछ इसी टाइप का या रीजनिंग से रिलेटेड वो आई ही टेस्ट करता है कि आप उस चीज़ को कितना समझ पाते हैं यहाँ पे हालिका अगर आपका पचपन से लेके पचासी के बीच में आएगा तो कहीं ना कहीं गैस आपका आई क्यू है थोड़ा सा कम है और पचासी से सौ के बीच में आ रहा है यहाँ पे तो बिलो एवरेज हो गया सौ से कम है तो आपका बिलो एवरेज आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ कि इतना समझदारी नहीं है हाँ समझदारी जरूर है कि आप समझ पा रहे हैं कोई भी चीज को देखते तो अगर सौ से ज्यादा आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपका गैस काफी अच्छा माना जाता है इनके अलावा से अगर आ रहा है तो काफी और भी अच्छा लेवल का आपका आईक्यू है तो हम यहाँ पे देखने वाले इंडिया का रैंक क्या है और साथ में यूक्रेन का रैंक देख लेंगे थोड़ा सा पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना का भी रैंक यहाँ पे है। हम लोग देख लेने वाले ठीक है पे कि किसका कितना आई रैंक है यहाँ पे ये ऑफिशियली वेबसाइट है इंटरनेशनल आईक्यू आप यहाँ पे स्टार्ट लिंक पे जाके क्लिक करेंगे तो आप भी देख सकते हैं, हम आपको देते हैं। यहाँ पे जाने के आप डाल सकते हैं क्योंकि जो आपका रैंक जारी होगा वो ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल पे जारी होगा ना यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि किस देश का रैंक कितना है आई टेस्ट में यहाँ पे नाउ यहाँ पे हाली खान कैसे बात करेंगे पहले स्थान पे डेढ़ लाख से भी ज्यादा लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था इनमें एवरेज बात सौ आठ पॉइंट आया था यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पचासी से लेकर अगर सौ तक आ रहा है तो एक तरीका से बिलो एवरेज समझ सकते हैं और सौ के बाद जो आ रहा है जिसका तो आप अच्छा तो पार्टिसिपेट हाँ किया था चीन में देख लीजिए लगभग दो लाख के अप्रोक्स किया था इनके अलावा हमें देखना क्या है भारत देखना पे चीन तीसरे स्थान पर आईक्यूब जिसमें आप लोग भी दे सकते हैं और आप लोग भी टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग देखेंगे भारत का पे नेपाल में देखे चार छत्तीस लोग दिया था और नाइनटी नाइन पॉइंट सौ समझ सकते अच्छा है और सत्ताईसवा रैंक यहाँ पे काफी अच्छा रैंक है सोलह हजार लोग यहाँ पे नौ यहा पे।, मतलब अच्छा पे।, पे।, पे हम लोग देखने वाले यूक्रेन जो की गैस यहाँ पे इंसल्ट कर रहा था यहाँ पे बता रहा था इंडिया और जो चाइना है उनका आई अच्छा नहीं यहाँ पे कम है यहाँ पे तो यहाँ पे हम देखते गैस हमें मिलता है यूक्रेन यहाँ पे देखें